आज पूरे देश में प्रभु रामचंद्र का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी श्रृंखला में महर्षि कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था द्वारा संचालित कमिंग्स अभियांत्रिकी महिला महाविद्यालय नागपुर में रामलीला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया गया, जहां छात्रों ने विभिन्न नृत्य, संगीत एवं नाट्य आदि कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। दर्शकों, पूरी 500 साल की कड़ी तपस्या के बाद आखिरकार भारतवासियों को अयोध्या के रामलला जन्म प्रतिष्ठा का ये जो है अग्रिम क्षण आ चुका है, जिसके चलते पूरे देश में जो है रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह मनाया जा रहा है। उसी श्रृंखला में महर्षि कर्वे शिक्षण संस्था द्वारा संचालित कमिंस कॉलेज द्वारा भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, यहाँ राम गीतों की धुन में सभी जो है छात्राएं सियाराम की जय सियाराम धुन यहाँ गा रही है और राममय वातावरण पूरा हो चुका है। सभी के सिर को जो है श्री राम लला की पट्टी बंधी हुई है, सभी भक्तिमय वातावरण है पूरी तरह से, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। इस संख्या में यहाँ जो है छात्र मौजूद है, साथ ही साथ पेरेंट्स, शिक्षक वृंद मौजूद है और पवन सुत हनुमान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सनातन धर्म जो है यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आप जिस प्रकार से देख रहे हैं, शक्ति को एक शक्ति दी गई है जो है रामलला के जो है प्राण प्रतिष्ठा का समारोह आ चुका है और पूरे देश में जो है इसका उत्साह, इसका समारोह जिस प्रकार से मनाया जा रहा है, उस श्रृंखला में कमिंस कॉलेज भी पीछे नहीं, कमिंस कॉलेज भी अपने पूरे हर्षोल्लास के साथ ये जो है बड़ा उत्सव मना रहा है। दर्शकों, पूरे देश में रामलला का आगमन उत्साह जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में कमिंस कॉलेज में भी राम गीतों की पेशकश की गई, जहां रामचरित पर नाट्य, संगीत आदि सभी कार्यक्रमों से सभागृह राममय हो गया, जिसकी शुरुआत दीप प्रज्वलन से की गई, जहां मान्यवरों ने तिमिर दाशिनी ज्योति प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उसके बाद छात्राओं ने गणेश वंदना प्रस्तुत की और प्रस्तुतिकरण की कड़ी आगे बढ़ाते हुए छात्रों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र से प्रभु राम के कुछ अग्रिम आदर्श नाटक के माध्यम से प्रस्तुत की गए, जहां पात्रों में सुसज्जित छात्रों ने खुशी जाहिर की तो वहीं प्रबंधन समिति के डॉक्टर मकरंद करकरे, व्यवस्थापन समिति सदस्य MKSSS और श्री श्रीकांत गढ़ के व्यवस्थापन समिति सदस्य MKSSS ने कमिंस द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के विषय में अभिनंदन व्यक्त किया। दर्शकों, जितना इंतजार द्वापर में अयोध्या वासियों ने श्री राम के वनवास से लौटने का नहीं किया था, उससे कई अधिक इंतजार जो है कलयुग में राम भक्तों ने राम प्राण प्रतिष्ठा का किया है। और इसी अवसर पर कमिंस कॉलेज में जो है यह अवसर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, बड़ी ही सांस्कृतिक रूप से मनाया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है करकरे सर। सर, इतने सालों के बाद जो है इतना अग्रिम क्षण आया है, क्या कहना चाहेंगे? ये भारत के नवोत्थान का समय आ गया है। विवेकानंद जी ने कहा ही था कि अगली सदी जो हिंदुत्व की सदी है, और मैं स्वयं जो इतना खुशनसीब हूँ कि मैंने खुद दो बार कार सेवा की है, और जब वो ढांचा गिराया तब मैं स्वयं वहाँ उपस्थित था। मेरे परिवार के 20 लोग साथ में थे, मेरी माँ भी थी, मेरे पिताजी भी थे, मेरी बहन भी थी, मौसियाँ, सब लोग हम थे। आज ही कार सेवकों का एक सत्कार हुआ है, उसमें मैं सम्मिलित होकर यहाँ आया हूँ। और कमिंस कॉलेज में मैं यहाँ पर एक मैनेजमेंट कमेटी का सदस्य हूँ। इसका मुझे गर्व है कि मेरी संस्था की ये बहनें अच्छे से सज धज कर आई है और उस ऐतिहासिक क्षण को, उस पौराणिक क्षण को फिर से उजागर कर रही है। जय श्री राम। जिस प्रकार से आपने बताया, साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद है गाड़गे सर। सर, क्या लग रहा है, इतना बड़ा अग्रिम क्षण जो है लगभग 498 साल के कड़े संघर्ष के बाद आया है, क्या कहना चाहेंगे? कमिंस कॉलेज में इसमें बड़ा जो है सहयोग दे रहा है हर्षोल्लास मनाने में। पहले तो बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यूनेस्को ने 45 संस्कृतियों का, जागतिक संस्कृतियों का अभ्यास किया हुआ है, उसमें से 44 संस्कृतियाँ खत्म हो चुकी। भारतीय संस्कृति एक ही है कि ये 15,000 साल से कंटिन्यूस चल रही है, और भारतीय संस्कृति में श्री राम ये मर्यादा पुरुषोत्तम करके पहचाने जाते हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब होता है कि अपने जीवन में पूर्णतः रूप से सक्सेस मिलाने के बाद किस मर्यादा में रहना चाहिए, इसका जागतिक उदाहरण है। और भारतीय संस्कृति के जो महापुरुष है उसके अस्तित्व के
पद चिन्ह ने आपको पूरा जग, मतलब हम कहते हैं कि इंडोनेशिया से साउथ ईस्ट एशिया, अमेरिका, यूरोप, हर जगह आपको रामायण काल के कुछ ना कुछ तो भी एक अनुभव मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं। कमिंस कॉलेज में इसमें बड़ा जो है सहयोग दे रहा है, क्या कहना चाहिए? कमिंस कॉलेज एक सांस्कृतिक धरोहर को लेके चलने वाला कॉलेज है और मैं उस कॉलेज में एक कमेटी का मेंबर हूँ, उनके कमेटी का। और मुझे सबसे अच्छा ये चीज़ लगते हैं कि आधुनिकता के साथ साथ हम अपनी संस्कृति को नहीं भूलें और संस्कृति जो नए जनरेशन को पता होना चाहिए, जो हम आग्रह करते हैं उसका पूर्णतः रूप से जो अलग अलग कार्यक्रम जो होते हैं वो कमिंस कॉलेज में होते रहते हैं। दर्शकों, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कमिंस कॉलेज पूरा भगवामय हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ छात्र मौजूद है, कोई हनुमान बना है, माँ सीता बने हैं, लक्ष्मण बने हैं, प्रभु रामचंद्र बने हैं। आप जो है प्रभु रामचंद्र की छवि में है, मर्यादा पुरुषोत्तम जिन्हें कहा जाता है। क्या कहना चाहेंगे, कमिंस कॉलेज द्वारा इतना हर्षोल्लास का क्षण आया है, साथ ही साथ जो है हमारी पीढ़ी काफ़ी सौभाग्यपूर्ण है कि हम ये क्षण देख पा रहे हैं। पहले तो नमस्ते, मैं लक्ष्मण का रोल प्ले कर रही हूँ इस प्ले में। मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं कमिंस कॉलेज के हिस्सा हूँ और मैं इस महान कार्यक्रम का हिस्सा हूँ एज अ कैरेक्टर। दर्शकों, जिस प्रकार से लक्ष्मण भी जो है प्रभु रामचंद्र के मर्यादा पुरुषोत्तम रोल में भी उनका काफ़ी बड़ी जो है भूमिका थी। हमारे साथ श्री राम जी मौजूद है, एक छात्रा के स्वरूप में उन्होंने पात्र निभाया है। कैसा लग रहा है, आप श्री राम की जो है शक्ति आप में आई हुई है, शक्ति संचारित हो चुकी है और आप एक पात्र कर रही है, क्या? मुझे ये पात्र करने मिला, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ कॉलेज की। और मैं इस कॉलेज में हूँ जिसमें यह जो ऐतिहासिक इवेंट हो रहा है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठान का, जो हमारे कॉलेज में इतने अच्छे से मनाया जा रहा है, तो मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे ये कॉलेज में, मैं ये कॉलेज में हूँ और मुझे राम का रोल मिला। साथ ही साथ हमारे साथ सीता माता भी मौजूद है। देखा जाए तो त्याग मूर्ति कहा जाता है माँ सीता को। पूरे रामायण काल में उन्होंने काफी बड़ा त्याग दिया है राम राज्य के लिए और उसी के पात्र में आप है, इतना अग्रिम क्षण आया है, क्या कहना चाहिए? मुझे ये पात्र करते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है और मैं अपने कॉलेज की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये अवसर उन्होंने दिया कि मैं ये पात्र इस रोल इस प्ले में रखूँ। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं कमिंस कॉलेज का एक हिस्सा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे जितने भी इवेंट्स होते हैं उन सभी में सभी को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता है। थैंक यू। दर्शकों, भक्तों में भक्त श्री राम के भक्त है हनुमान और हनुमान की छवि में इस वक्त हमारे साथ छात्रा मौजूद है। हनुमान का पात्र आपने किया है। जिस प्रकार से कार सेवकों ने 1992 में जिस प्रकार से मस्जिद गिराकर राम प्रतिष्ठा की नींव रखी थी और आप हनुमान के पात्र में है, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार का ऊर्जा प्रतीत हो रही है आपको? सबसे पहले मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, इवन हमारे कॉलेज का भी, जिन्होंने मुझे ये पात्र करने का मौका दिया है। और उसके बाद में उन सभी क्रांतिकारियों का, उन सभी बलिदानियों का जिन्होंने राम मंदिर बनने में बहुत बड़ी योगदान निभाई है। और इवन मेरे दादाजी जो है वो भी उस टाइम पे एज ए क्रांतिकारी काम करते थे, तो मैं बहुत जुड़ी हुई हूँ इन सब चीज़ों से। और इस समय अगर मुझे कुछ भी थोड़ा बहुत करने का मौका मिल रहा है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दर्शकों, जो है संस्कार घर से ही मिलते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है राजा शिव छत्रपति के पात्र में छात्रा, कैसा लग रहा है आप राजा शिव छत्रपति की जो है पात्र में है? और जिस प्रकार से देखा जाए तो छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्श थे श्री रामचंद्र, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो हम सबके आदर्श छत्रपति शिवाजी महाराज है और छत्रपति शिवाजी महाराज के आदर्श भगवान श्री राम है। तो मैं इस रोल में, मुझे ये मौका मिला कि मैं ये रोल प्ले करूँ, इसीलिए आई एम वेरी हैप्पी।
और मतलब मुझे बहुत बड़ा मतलब ऐसा मौका मिला इस कॉलेज ने दिया एंड एवरीथिंग। साथ ही साथ इस वक्त हमारे साथ मावड़े भी मौजूद है। जिस प्रकार से प्रभु राम की लड़ाई में जिस प्रकार से हनुमान ने साथ दिया था, उसी प्रकार से ये जो है सेनापति महोदय हमारे साथ मौजूद है। मराठा साम्राज्य के क्या कहना चाहेंगे आप, इतना बड़ा जो है मौका आपको मिला है? मैं इस मौके पर आके बहुत खुश हूँ और मैं अपने महाराज की पूजा करती हूँ और मेरे महाराज श्री राम की पूजा करते हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। दर्शकों, जिस प्रकार से है आदर्शों की श्रृंखला, हमारे भारत जो है विभिन्न संस्कृतियों से भरा है, विभिन्न संघर्षों से भरा है। ये भारत मात्र एक भूमि ना होकर वीरों की भूमि है। एक संघर्ष से जो है ये पूरा जो है देश बना है, सुसज्जित हुआ है। पूरे 500 सालों के अग्रिम संघर्ष के बाद आज हमारे बीच इतना बड़ा जो है अग्रिम क्षण आ चुका है। हमारे चक्षु, हमारे नयन काफी सौभाग्यशाली है जो ये क्षण देख पा रहे हैं। दर्शकों, आप सभी को राम मंदिर प्रतिष्ठा की हार्दिक शुभकामनाएं और कमिंस कॉलेज द्वारा जिस प्रकार से ये जो है हर्षोल्लास मनाया जा रहा है, उसी प्रकार आप भी मनाएं और खुशी संपन्न जिंदगी जिए और एक संस्कृतिशील भारत की भविष्य की कामना आप करें। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं मनीष टेमरे, NBC न्यूज के लिए नागपुर।